पैसे बचाने का एक सफल तरीका खर्चों को कम करना है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप अपने पैसे को बचा सकते हैं और महीने के अंत में आपको फाइनेंशियली कोई परेशानी भी नहीं होगी। मंथली बेसिस पर होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बहुत से लोग खर्चों में कटौती के तरीके की तलाश करते हैं जो लागू करने में आसान होते हैं। पैसे बचाने के कुछ तरीके यहाँ हम आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप बिना किसी परेशानी से एक एक करके आजमा सकते हैं। पर दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। यदि आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है तो आप समय के साथ गैस, पार्किंग और मेंटेनेंस पर काफी पैसा बचा सकते हैं। आप शहर के एक तरफ से अगले तक काम करके और वापस जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपके बहुत पैसे और टाइम भी बच जाएगा। सेलो व्हीकल। यदि आपके पास कोई व्हीकल है जो शायद ही कभी उपयोग किया जाता है तो इसे बेचने पर विचार करें। यदि आप अपने व्हीकल का मार्केट प्राइस प्राप्त करने में सक्षम हैं, तो आप अपने सेविंग्स अकाउंट की राशि को बढ़ा सकते हैं और आप उन सेविंग्स को अपने अगले डेट्स को चुकाने में मदद कर सकते हैं। कुक एंड पैक योर ओन मील्स एट होम। जब आप घर पर खाना बनाते हैं तो कुछ भी आप तैयार कर रहे हैं उसमें से कुछ बचाकर फ्रिज में रख लें। फिर आप इसे आने वाले समय पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या कहीं बाहर जा रहे हैं तो इसे लंच बॉक्स में ले लें। इससे आपके बार बार फूड आइटम्स को खरीदने वाले खर्चों से बच सकते हैं। रिड्यूस और एलिमिनेट ईटिंग आउट और गेटिंग टेक आउट। एक बिजी फैमिली के लिए टेकआउट और डाइनिंग एक अच्छा लग्जरी और गुड टाइम सेवर हो सकता है, लेकिन खर्च भी जबरदस्त हो सकता है। इसके बजाय घर पर भोजन को अधिक कन्वीनियंट बनाने के लिए अन्य ऑप्शंस को देखें, जैसे कि एक बार में बहुत सारे भोजन तैयार करें और बाद में उन्हें फ्यूचर यूज के लिए फ्रिज में रख दें। बाय द अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स इन द सुपरमार्केट। आप अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। इसमें स्वाद में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन पैसों में काफी अंतर होता है। जैसे आप एक ब्रांडेड नमक और अनब्रांडेड नमक के टेस्ट में कोई फर्क नहीं महसूस करेंगे, लेकिन उनके प्राइस में जरूर अंतर होगा। शेयर कार जर्नीज। यदि आप हर दिन अकेले काम करने के लिए ड्राइव करते हैं तो देखिए कि क्या कोई अन्य लोग हैं जो आपके आसपास रहते हैं, ताकि आप यात्रा शेयर कर सके और पेट्रोल पर अपने इन्वेस्टमेंट कम कर सके। इससे आपके बहुत पैसे बच सकते हैं। मेक अ शॉपिंग लिस्ट। इससे पहले कि आप दुकान पर जाएं और सोचें कि क्या क्या लेना है, उससे अच्छा है कि घर पर ही एक लिस्ट बना लें। शॉपिंग लिस्ट आपको क्लियर आइडिया देती है कि आपको क्या चाहिए और अननेसेसरी नीड्स को खत्म करता है। तो ये थी कुछ टिप्स जो आपको सेविंग्स करने में बहुत हेल्प कर सकती है और आप मंथ के अंत में काफी पैसे भी सेव कर सकते हैं। तो अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप सबको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।